नमस्कार दोस्तों, मेरे तेज पासवान मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मेरा पहला पेमेंट आना था यूट्यूब से, उसमें कुछ लफड़ा लग गया जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई बंधु ऐसे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनकी दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा कई बार पेमेंट आ चुका होगा, तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प भी करेंगे कमेंट में बता करके, क्योंकि जो मेरी सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस भाई का पहला पेमेंट आने वाला है वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों एक वो बातें हैं, एक नॉलेज है जो कि आपको भी फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले अपनी बात मैं आपको बता दूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 तारीख को, ठीक है, 10 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी हो, 10 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट में जो भी आपका डॉलर बनता है वो वहां पर अपडेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 22 जनवरी या 20, मतलब कि मेरे साथ हुआ ये कि 10 जनवरी को अपडेट हो गया, सारा डॉलर मेरा अपडेट हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 22 जनवरी को जो है ना, मेरे को एक मेल आता है उस जीमेल आईडी पे जिससे मेरा जो है ना, मतलब कि एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, उस पे आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों साफ लिखा हुआ है, मैंने इनको हिंदी में कर रखा है पूरा। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, साफ लिखा हुआ है, हमने 22 जनवरी 2023 को आपकी एडसेंस फॉर यूट्यूब, यहाँ पे दोस्तों जो आईडी है वो वाली है, ठीक है, इनको मैंने ब्लर कर दिया है। उसके बाद के लिए आपके बैंक खाते में भुगतान भेजा है, जो भी पैसे इन्होंने भेज दिया है मेरे। और ऐसा होता है दोस्तों कि जब आपके बाहर से पेमेंट आती है तो पहले वो हेड ब्रांच में आ जाता है, उसके बाद दोस्तों जो आपके एरिया का जो आपका जो ब्रांच है वहाँ पे आता है, फिर आपके खाते में दिया जाता है, ऐसा मतलब इनका प्रोसेस है। और उसके बाद हुआ दोस्तों ये, तो ये जो है ना, ये जो मेल आने का मतलब यही है कि ये हेड ब्रांच में तो आ चुका है, ठीक है। और दोस्तों ये मेल तभी आता है जब आपके एडसेंस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कभी कभार होता भी है तो वहाँ पे दोस्तों रेड मार्क आ जाता है, फिर वो नेक्स्ट मंथ में जो है अपडेट होके रिटर्न होके ऐसा होता है, फिर डॉलर वहाँ पे शो करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो है ना, अगर ये वहाँ से भेजा जा चुका है तभी यहाँ पे ये मतलब कि मेल भी आया है, ठीक है। अभी दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आता है, अभी आप लोग बताना, क्योंकि 22 जनवरी को जो है अगर ये भेजते हैं, मतलब हो, मतलब कि हेड ब्रांच पे वहाँ आता है, तो उसके मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 5 दिन के बाद अगर आपके खाते में नहीं जाता है आपका पैसा, तो आप अपने जो है ना होम ब्रांच, जो अभी आपका जहाँ भी रहते हैं आपके होम ब्रांच में जाइए और बैंक में वहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैनेजर से हो वहीं से ही बात बनती है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक मैं तो वहाँ पे गया नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो अभी देखे सर्च करके, तो मेरे को पता चला कि भैया आप थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि जिसकी पहले पेमेंट होती है ना वो रुक जाते हैं, 1-2 हफ्ते रुक के उसके बाद कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों अभी देखिए 22 जनवरी से जो है ना, तो मैंने 30 जो है, 1 फरवरी भी निकल गया, अभी आज 5 तारीख है, ठीक है, अभी आज, ठीक है, तो सीधे 12 दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए। और दोस्तों जब मैंने अपने एडसेंस अकाउंट पे वहाँ पर जाके देखा तो दोस्तों वहाँ पर भी जो है डॉलर जो है वहाँ पे 0-0 था, क्योंकि दोस्तों जो लास्ट मंथ के जो मेरे जो भी वहाँ पर बने थे डॉलर वो वहाँ से भेजा जा चुका था, इसीलिए वहाँ पर 0-0 भी दिखा रहा है, ठीक है। अभी आपको स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो। अभी दोस्तों फिर मैंने, मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आया यार मैं क्या करूं, ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने यूट्यूब पे सर्च करके, तो वो लोग भी बता रहे हैं कि आप जो है अपने जो भी वहाँ पे अपना बैंक है आपका, जिनका खाता नंबर आपने दे रखा है, वहाँ पे जाइए और बैंक में जाइए अपने होम ब्रांच में, और वहाँ से मैनेजर से मिलिए, बातचीत कीजिए, उसके बाद ही वहाँ पे जो भी होगा वो आपको बताएंगे। दोस्तों अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो पहली पेमेंट में, तो आपने क्या किया था मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी लोग, और मुझे क्या करना चाहिए वो भी बताना, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों ये मेरी पहली पेमेंट है तो मेरे को बहुत ज़्यादा वैसा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अभी जो भी अपडेट आता है मेरे पेमेंट से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों अभी अगले दिन मैं जाने वाला हूं अपने जो है होम ब्रांच में, वहां पे दोस्तों बात करूंगा, फिर जो भी अपडेट होता है मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा, और जैसे पेमेंट वगैरह आता है तो वो वीडियो तो बनेगा ही, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एन अदर वीडियो में एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।